क्या आपने किसी ऐसी चिड़िया को देखा है जो अपनी आवाज से मिमिक्री करने के लिए मशहूर हो, या फिर किसी ऐसी छिपकली को जिसे पानी पर दौड़ने में महारत हासिल हो? आज इस वीडियो में आप दुनिया के कुछ ऐसे जीव जंतुओं से मिलने वाले हैं जो अपने खून जैसे पसीने से लेकर अपने शरीर को गेंद की तरह ढालने के लिए जाने जाते हैं। ये दुनिया में मौजूद वो जानवर हैं जिनके शरीर में मौजूद सुपर पावर को देख हर कोई हैरान है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। बेसिलिस्क लिजर्ड। घर के दीवारों पर लटकने वाली छिपकली को तो आपने देखा ही होगा, पर क्या आपने किसी ऐसी छिपकली को देखा है जो पानी पर सरपट दौड़ने के लिए जानी जाती हो? हो सकता है आपके लिए ये काफी हैरान करने वाली बात हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि दुनिया में छिपकली की एक ऐसी भी प्रजाति मौजूद है जो पानी पर दौड़ने के लिए जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली बेसिलिस्क लिजर्ड के बारे में, जो पानी में दौड़कर अपने शिकार को पकड़ने के लिए जानी जाती है। ये पानी में अपने दोनों पैरों की मदद से कुछ इस तरह से दौड़ती है जिसे देखना काफी रोमांचक होता है। अब आपके मन में भी ये सवाल तो जरूर ही उठ रहे होंगे कि आखिर ये भला पानी पर इतनी आसानी से कैसे दौड़ लेती है। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इनका शरीर वजन में काफी हल्का होता है और इनका पिछला पैर कुछ इस तरह का बना होता है जो इन्हें पानी पर दौड़ने में काफी मदद करता है, जिसकी सहायता से ये बिना डूबे पानी के ऊपर दौड़ लेती हैं। फ्लाइंग स्नेक। पानी पर दौड़ने वाली छिपकली को तो आपने देख लिया, अब जरा हवा में उड़ने वाले इस सांप से भी मिल लेते हैं जो मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। हालांकि ये सांप किसी पक्षी की तरह तो हवा में नहीं उड़ता, लेकिन जब आप इसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड करते हुए देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये सांप हवा से बातें कर रहा हो। यहाँ तक कि इस सांप के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये हवा में ग्लाइड करते हुए लगभग 300 फीट की दूरी तय कर सकता है, जो कि सच में काफी आश्चर्यजनक है। वैसे भले ही इस सांप को कुदरत ने इस अनोखे टैलेंट के साथ नवाजा हो, लेकिन इसकी इस अमेजिंग एबिलिटी ने तो हम इंसानों को हैरानी में डाल ही दिया है। साथ ही कई वैज्ञानिक भी इसे देखकर काफी सकते में रहते हैं। कईयों ने तो इन सांपों पर रिसर्च करने में अपने पैसे और समय भी बर्बाद किए हैं। लायर बर्ड। आमतौर पर आपने कुछ ऐसे पक्षियों को देखा होगा जो अपने सुंदर लुक के लिए जानी जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे पक्षियों को जो अपने डांस से लोगों का दिल जीत लेती हैं। लेकिन क्या आपने किसी ऐसी पक्षी को देखा है जो लोगों की आवाज को नकल कर लेती हो, या फिर किसी ऐसी पक्षी को जो बांसुरी की तरह अपनी आवाज निकालती हो? तो चलिए हम आपको एक ऐसी ही अनोखी पक्षी से मिलवाते हैं जो मिमिक्री की दुनिया में एक अलग ही पहचान रखती है। दरअसल इस पक्षी का नाम लायर बर्ड है, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यह पक्षी लोगों की आवाज से लेकर एक कार की अलार्म और एम्बुलेंस जैसी आवाजों को निकाल लेती है। साथ ही ये अपने फ्लेक्सिबल गले की मदद से लगभग 20 अलग तरह की बीट्स को भी निकाल सकती है। इसके इस अमेजिंग टैलेंट को देखकर तो ऐसा लगता है मानो ये कोई एक प्रोफेशनल मिमिक आर्टिस्ट हो। वैसे जितना सुंदर इसका गला है, उतने ही सुंदर इसके पंख भी लगते हैं, क्योंकि जब ये अपने पंखों को फैलाकर बड़ा करता है तो इसकी लंबाई करीब 28 इंच तक पहुंच जाती है, जो दिखने में बेहद ही अट्रैक्टिव नजर आती है। एडक्स एंटीलोप। ठंड और गर्मी के मौसम को झेलने के लिए अक्सर ही हम इंसान या तो कंबल का इस्तेमाल करते हैं या फिर पंखे या एसी ऑन कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर जानवर इस मुश्किल भरे हालातों से बचने के लिए क्या करते होंगे? चलिए बताते हैं। दुनिया में कुछ जानवर ऐसे हैं जिसे कुदरत ने किसी खास एबिलिटी के साथ जमीन पर उतारा है। उन्हीं खुशकिस्मत जानवरों में से एक नाम एडक्स एंटीलोप का भी आता है, जो रेगिस्तान की गर्मी को सहने के लिए अपने शरीर के रंग को सफेद कर लेती है, ताकि रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में वो खुद को सर्वाइव करवा सके। और फिर जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है, वो अपने शरीर के रंग को भूरे रंग में कन्वर्ट कर लेती है, जिससे ठंड की मार से वो खुद को बचा सके। इसकी इसी खास एबिलिटी के कारण इसे दुनिया के मोस्ट अमेजिंग एबिलिटीज वाले एनिमल्स के लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। ये हिरन की एक बेहद ही खूबसूरत नस्ल है, जिसके नर और मादा दोनों के सिर पर सिंग लगे होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े होने के कारण दिखने में काफी खूबसूरत भी लगते हैं। हिप्पो।
हिप्पो जंगल का एक ऐसा जानवर है जो अपने गुस्सैल मिजाज को लेकर जाना जाता है। यही कारण है कि आए दिन ये जंगल के बाकी जानवर उसे हमेशा लड़ते हुए दिखाई देता है। लेकिन हिप्पो को उसके गुस्सैल स्वभाव के अलावा भी एक और खास चीज के लिए जाना जाता है, और वो चीज है इसके शरीर से निकलने वाला पसीना, जो दिखने में बिल्कुल ही खून की तरह नजर आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लाल रंग का दिखने वाला पसीना वास्तव में एक तैलीय पदार्थ होता है, जिसे हिप्पो खुद ही अपने शरीर से प्रोड्यूस करता है। दरअसल हिप्पो सूरज की यूवी किरणों से बचने के लिए अपने शरीर से एक खास तरह के तैलीय पदार्थ को निकालता रहता है, ताकि सब सहारन अफ्रीका जैसे गर्म देशों में खुद को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ सूरज की यूवी किरणें काफी तेज होती हैं, जो हिप्पो के स्किन के लिए खराब मानी जाती हैं। आपको बता दें कि हिप्पो के शरीर से निकलने वाला ये सब्सटेंस उनके लिए एक सनस्क्रीन का काम करती है। इतना ही नहीं, ये सब्सटेंस उन्हें पानी में मौजूद बैक्टीरिया से लड़ने और उनके घाव को भरने में भी काफी मदद करता है। अल्पाइन आइबेक्स। अल्पाइन आइबेक्स पहाड़ों पर चढ़ने वाली एक ऐसी बकरी है जो ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में पाई जाती है, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटाली और स्विट्जरलैंड से लेकर कई अन्य देश भी शामिल हैं। ये बकरी ऊंची पहाड़ों पर कुछ इस तरह से चढ़ती है जहां पर हम इंसान तो पहुंचने की कभी सोच भी नहीं सकते। यहां तक कि कोई जानवर भी इसके आसपास दिखाई नहीं देते, क्योंकि जिस तरह से ये खड़े दिख रहे पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाती है, ये सच में काफी हैरान करने वाला है। वैसे आमतौर पर तो ये नॉर्मल पहाड़ों पर ही चढ़ना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन जब भी इसे कोई खतरा महसूस होता है तो ये इन सीधे दिख रहे पहाड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचा लेती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये बकरी ऐसा कैसे कर लेती है, तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस बकरी के पैरों के नीचे वाला खूर कुछ इस तरह से बना होता है जो इसे खड़े दिखने वाले पहाड़ों पर आसानी से चढ़ने में मदद करता है। वैसे इस बकरी के पैरों में बने खूर को देखकर तो हम कह ही सकते हैं कि प्रकृति ने इन्हें एक खास तरह का सुपर पावर दिया है। जेलीफिश। मोस्ट अमेजिंग एनिमल की लिस्ट में जेलीफिश का नाम इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये जीव अमर होने के लिए इस पृथ्वी पर आया है, क्योंकि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जीव कभी भी नहीं मरता है, और शायद यही कारण है कि जेलीफिश की उम्र का अब तक वैज्ञानिकों ने सही अंदाजा नहीं लगा पाया है। जेलीफिश समुद्र में पाए जाने वाली वो जीव है जो अपनी उम्र से बड़ी होने के बाद वापस से फिर उसी स्टेज में चली आती है, यानी कि ये फिर से अपनी बचपन वाली अवस्था में आ जाती है, जो इसे दुनिया के बाकी जीव जंतुओं से काफी अलग बनाती है। इस जेलीफिश की इस सुपर पावर को देखकर शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि काश हम इंसानों के पास भी ये सुपर पावर होता, तो हम भी वापस से बचपन वाले दिनों में लौटकर मस्ती कर रहे होते। कॉकरोच। क्या आपने किसी ऐसे जीव को देखा है जो अपने सिर कटने के बावजूद भी जिंदा रहता हो, या फिर किसी ऐसे जीव को जो लगभग 40 मिनट तक अपनी सांसों को रोक सकता हो? अगर हम कहें कि ये जीव कोई और नहीं बल्कि हमारी और आपके घरों में घूमने वाला एक कॉकरोच है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? जरूर ही इस बात को सुनकर आप हैरानी में पड़ चुके होंगे। दरअसल छोटा सा दिखने वाला कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो अपने सिर कटने के बावजूद भी लगभग 10 दिनों तक आसानी से जिंदा रहता है। यही नहीं, ये लगभग 40 मिनट तक अपनी सांसों को रोकने में सक्षम होता है, क्योंकि कॉकरोच को ऐसा देखा गया है कि वो कभी भी सांस लेने के लिए अपनी नाक या फिर अपनी मुंह का इस्तेमाल नहीं करता है और अपने शरीर के बाकी हिस्सों से सांस लेता रहता है। यही कारण है कि ये आसानी से बिना सिर के भी सर्वाइव कर पाता है। पेंगोलिन। हमारी लिस्ट के आखिर में एक ऐसा जानवर मौजूद है जिसके टैलेंट को देखकर आप बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये जानवर अपने शरीर में मौजूद एबिलिटी से कुछ ऐसा करतब करके दिखाता है जो दिखने में आकर्षक लगने के साथ साथ इसकी जान भी बचाने में काफी मदद करता है। दरअसल हम जिस जानवर की बात कर रहे हैं उसका नाम पेंगोलिन है, जो मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका दोनों ही महादेशों में पाया जाता है। इस जानवर का शरीर दिखने में भले ही थोड़ा लंबा लगता हो, लेकिन ये जैसे ही अपने दुश्मनों को देखता है तो तुरंत ही अपने शरीर को एक गेंदनुमा आकार में ढाल लेता है, जिससे इसका शरीर दिखने में काफी छोटा नजर आने लगता है। कई बार तो इसके दुश्मन इसे एक गेंद समझकर धोखा खा जाता है और फिर इसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वैसे इस जानवर के इस अद्भुत सुपर पावर को देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये दुनिया सच में रहस्यों से काफी भरी हुई है।
तो दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद अमेजिंग एबिलिटीज से भरे कुछ बेहद ही शानदार एनिमल्स जिन्हें कुदरत ने इन्हें शरीर के अंदर सुपर पावर देकर बनाया है। वैसे आपको इनमें से कौन एनिमल सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।